विश्वसर्ग विसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितम् जय श्री लोकनाथ रघुनाथ श्री गोपाल भक्तदास रघुनाथ ये छय गोसाई कर चरण वंदन जहाँ जगन्नाथ वांछा कल्पतरु व्यस्त कृपा सिंधु चैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्री नित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की सुभाष पंडित की सकल आचार चरण की जय रानी राधा रानी की जय जय श्री राधे श्री गिरिंद्र बिहारी धारिणी सरकार की श्री जुगल सरकार की श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे कर रहे हैं।
आज श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी प्रिया जी के लीला का स्मरण कर रहे हैं। और आ नत्री राधे, राधात्मी के नानी का नाम है मुखरा। मुखरा कह रही है राधा रानी से, हे नत्री राधे, हे नत्री राधे, तौस्तुत भक्ते काल समुत्पन्ना, आपको सूर्य पूजन का समय इतः उतः असि, इस समय तुम कहाँ हो? अर्थात इस समय तो तुझको सूर्य पूजन करना चाहिए था, तुम कहाँ हो? इति रोषात् लपन्ती, इस प्रकार कह करके क्रोध में आते। मुखरा इह किं माम सुधाई को सुखयिष्यति। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं क्या ऐसा कब समय आएगा जब मुखरा आपको डांटेगी और आप तत्काल सूर्य पूजन के लिए तैयार। गोविंद लीलामृत में प्रिया जी की श्याम सेवा बृहद रूप से वर्णन किया गया है। इसमें प्रिया जी सूर्य पूजन के उद्देश्य से राधा कुंड जाती है और राधा कुंड में ही मध्यान्ह में ये सब लीला। जल विहार करने प्यारे श्याम सुंदर के साथ जो नित्य विहार है, उस विहार में देर हो जाता है। उसी समय मुखरा आती राधा रानी की नानी। राधा कुंड के पास गांव भी है ना, उन गांव का क्या नाम? मुखरा ना? मुखरा है, मुखराई गांव। तो वहां से मुखरा आती है और आकर के राधा रानी पूछती है कहाँ में, तुलसी मंजरी इत्यादि से पूछती है। पद्म पुराण में प्रिया जी के विषय में बहुत विस्तृत वर्णन, जैसे कल राधा रानी का जन्म उत्सव किया है, राधा रानी के माता पिता दादा दादी नाना नानी, ये सब शास्त्रों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। गर्भ संहिता में तो लिखा गया है कि जब भी भगवान श्री हरि को इस भूमंडल पर आना होता है तो कुछ गोलोक में लीला करते हैं, जिसके फलस्वरूप यह लीला इस पृथ्वी पर नीचे उतरता है। वैकुंठ जगत में तो कोई कभी किसी से गड़बड़ी नहीं, कोई अपराध नहीं, क्योंकि ये लोग नित्य परिकर हैं। नित्य परिकर में तमोगुण रजोगुण का वृद्धि तो कभी आता नहीं है, न सत्यगुण की वृद्धि आती है, तो त्रिगुणातीत नित्य लीला चलती रहती है, तो उसमें कभी व्यतिक्रम होने की संभावना है, कभी किसी से अपराध हो ऐसा कभी संभावना नहीं। अत्यधिक कदाचित किसी से अपराध बन गया तो ये भगवत इच्छा से। वृंदावन में नित्य गोलोक धाम में राधा रानी प्यारे श्याम सुंदर को लाई, संकेत कौन संकेत वृंदावन में जितना लीला है उसका मूल स्थान संकेत, संकेत गांव भी वहीं से पूरा नियोजित होता है। तो राधा रानी के संकेत कुंज में प्यारे श्याम सुंदर जा रहे। तो
दिव्य सखी देखी कि हमारे कुंज होकर जो प्यारे श्याम सुंदर मधुर मधुर मुरली बादल करते हुए जा रहे हैं, तो तुरंत आई, अपने कुंज से बाहर आई और आकर के श्याम सुंदर की खूब सेवा शुश्रूषा की। और प्यारे श्याम सुंदर जी दिव्या सखी से प्रसन्न होकर के उसकी कुंज में लीला करने लगे। इधर बहुत समय बीत गया। प्रिया जी ललिता सखी को आदेश देती है, देखो श्याम सुंदर कहाँ है। ललिता सखी सभी जगह अन्वेषण करती है, श्याम सुंदर नहीं। मंजरियां जाती हैं, मंजरियां भी खोजती हैं, फिर भी श्याम सुंदर। अब स्वयं किशोरी जी अपने कुंज महल से निकल करके प्यारे श्याम सुंदर का अन्वेषण करने के लिए उसी समय वृंदा यहाँ विद्या नदी के कुंज से बंसी की आवाज। अब तो किशोरी जी गई, किशोरी जी को देख करके दिव्या सखी इतनी डर गई कि जल कर उठा। और श्याम सुंदर उस जल में छिप गए और उनके गेट पर उनके सखा इत्यादि थे, वे रोकने लगे, नहीं जाने दे रहे। किशोरी जितनी आवेश में थी कि जा करके तुरंत विद्या सखी को श्राप दी। लेकिन लीला अवतरण होता है तो कुछ वहां पर कांड होता है। और श्याम सुंदर को इतना किशोरी की कठोर होकर के बोलने लगे कि अब सिद्धांत सखा तो उसको रहा नहीं। जब श्राप दे दी कि तुम चले जाओ, हो जाओ निर्जय नदी बन गई इस पृथ्वी पर। और श्रीराम की राधारानी पूछा कि जाओ आप भी मानुषी मानवी पर। किशोरी जी को श्राप मिल गया, 100 वर्ष तक प्रिया जी का प्यारे श्याम सुंदर से मिलन नहीं, ऐसा श्राप। उसी समय प्रिया जी गिर गई और गिर करके कहने लगी कि मैं एक पल, ऐसे पल गिरता है उतना भी श्याम सुंदर का विरह नहीं सहन कर सकती। 100 वर्ष तक ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, श्याम सुंदर से इतना बड़ा रूप। देखिए अब लीला तिरोहित हो, क्योंकि भगवान श्री हरि इस जगत में आते हैं अपने ऊपर कष्ट लेने और जगतवासियों को सुख देने। भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है यही। भगवान जब भी जगत में आए हैं तो अपने ऊपर भीषण कष्ट दिए हैं, क्या जी भी कष्ट दिए 100 वर्ष तक का। नित्य श्री कृष्ण के साथ संयोग रहने वाले प्रिया जी को 100 वर्ष तक सही, तक कि अन्य पुराणों में लिखा गया है बीच बीच में भगवान श्री हरि आते मिलने की लीला करते। लेकिन यह प्रक्षिप्त कथा है। अब राधा रानी का विवाह होगा, ये सब वर्णन भी शास्त्र राधा रानी के विषय में, खास करके राधा राधो परिषद में लिखा गया है कृष्ण न आराधते इति राधा। जो हमेशा कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं उनका नाम है राधा। या कृष्ण समाराधयति इति राधा, या साक्षात श्री कृष्ण ही जिनकी आराधना करते हैं, या राधा जिनकी आराधना करते हैं, ये दोनों एक ही विषय है। अब देखिए जगत में किशोरी जी आई तो किशोरी जी किसी की माँ के पेट से जन्म नहीं,
देवजी और जोनीजा राधा रानी के दादा का नाम है महीभाग जगत में आए हैं तो लोकोत्तर लीला कर लोक के लोकवत लीला कर राधा रानी के दादा का नाम है महीभानु और दादी का नाम है सुखदा और माता का नाम जानते हैं कीर्तिदा और पिता का नाम विश्वधाम और भाई एक है भाई का नाम है श्रीधाम। राधा रानी की एक छोटी बहन है उसका नाम है अनंग मंजरी जो राधा रानी के साथ हमेशा रहती है और विश्वधाम बाबा के एक छोटे भाई हैं बरसाना के पास में उनका गांव जिनका नाम है रत्नभा। जगत में क्रिया की आती है तो पूरा लोकवत लोक समान भानु रत्न भानु और सुभानु विश्वभानु बाबा के चार भाई और विश्वभानु बाबा की एक बहन थी जिसका नाम है भानुपुत्र आज की जो कथा है नाना की ना नाना और नानी नाना का नाम था इंदु और नानी का नाम था मुखर जो कि आज रघुनाथ दास गोस्वामी नानी का नाम लिए हैं। नत्री राधे तव शुद्ध भक्ते काल समुत्पन्न रोषा मुखरा लपन प्रकार के नाना नाना है इंदु और नानी है मुखरा जिसके नाम से गांव भी राधा कुंड के पास है मुखरा ही गांव। राधा रानी अधिक समय मुखरा मुखरा में रहती मुखरा ही गांव और राधा रानी के एक मामा थे उनका नाम था भद्र कीर्ति। भद्र कीर्ति और चंद्र कीर्ति मामा इन लोग और मौसी थी कीर्तिमती कीर्तिदा और कीर्तिमती ये दोनों और राधा रानी के कुल देवता हैं सूर्य भगवान। सूर्य पूजन के लिए आज गई इनके इष्ट देवता हैं सूर्य। आप लोग पूछेंगे कि ये देवता देवी को क्यों पूजते हैं लोग भागवत में तो लिखा गया है कात्यायनी की कोई पूजा कर रहा है कोई सूर्य की पूजा कर रहा है नंद बाबा पशुपतिनाथ की पूजा कर रहे हैं तो एक लोग किसी की पूजा नहीं करते पूजा करते हैं तो कृष्ण के लिए पूजा करते हैं या अनन्य कृष्ण भक्त तो ब्रज में तो कृष्ण को भगवान मानते नहीं अपने कोई लाला मानता है कोई भाई मानता है कोई बेटा मानता है तो कृष्ण की सुख के लिए अन्य देवी देवताओं की पूजा खास करके यहाँ अन्य देवी देवता नहीं जीव गोस्वामी कात्यायनी का अर्थ राधा रानी यहाँ पर कोई दूसरा नहीं सब श्री कृष्ण अनन्यता है इन लोगों और खास करके यदि किसी वस्तु के लिए किसी की पूजा किया जाता है तो उसकी पूजा नहीं यदि किसी का लड़का तो तबीयत खराब है डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर का पूजा नहीं कर पूजा किसका कर रहा है अपने लड़के ब्रज में जो आराधना है ये आराधना केवल कृष्ण की जैसे श्रीमद् भागवत में लिखा गया है जब भगवान श्री कृष्ण चले गए थे गुफा में जामवान के गुफा में तो सब लोग दुर्गा की आराधना दुर्गा की आराधना नहीं है कृष्ण के लिए दुर्गा की आराधना कृष्ण के ही अनन्य भक्त है। तो इनके कुल देवता है सूर्य देव। राधा रानी का स्वभाव कैसा है वयस क्या है तो नित्य किशोर नित्य किशोर नित्य किशोर और राधा रानी का जन्म स्थल है रावल और पिताजी का गांव है बरसाना
पद्म पुराण में दो कथा आती है, विश्वान बाबा यज्ञ किए हैं और यज्ञ की सामग्री जब इकट्ठा कर रहे थे उसमें एक सोना जैसी लली मिली, ऐसा पद्म पुराण। और किसी किसी पुराण में ये भी कथा है कि जब स्नान करने के लिए विश्वान बाबा जमुना जी में गए तो कमल के फूल पर फल कमल के फूल के कर्णिका पर त्याज कर रावल गांव में श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जिस भानु बाबा तपस्या किए हैं रावल पर, ऐसे पद्म पुराण में बहुत हजार वर्ष तक तपस्या करने के बावजूद भी उनका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ तो प्रथम ऋषि ने उनके कान में महामंत्र का उपदेश दिया। ये तो हरे कृष्ण महामंत्र आप लोग जानते हैं, ये ब्रह्मांड पुराण का मंत्र है, क्रतु मुनि के मुंह से निकला है और विश्वभर बाबा को उपदेश दिया। इसके जापक कौन है? हरे कृष्ण जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र एक इस पर रटने वाली प्रिया राधा एकदा विरहात राधा ध्यायंती प्रिय संगम मनोवास निराशार्थम रटयंती। प्रिया जी को ही प्रिया जी श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए विरह में ये महामंत्र गाए। श्री गौरांग महाप्रभु ने अवतार लेकर के इस महामंत्र का प्रचार किया कि जीव श्री कृष्ण को प्राप्त करना नहीं चाहता तो श्री कृष्ण के प्रति इसके हृदय में विरह उत्पन्न हो, बस विरह नहीं, ये सब संबोधन का मंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल संबोधन विरह है, पुकार। जब राधा रानी इस प्रकार पुकारी तो पुकारने को साक्षात श्याम सुंदर का, इसीलिए श्री गौरांग महाप्रभु कलयुग में प्रकट होकर के इस महामंत्र का सर्वत्र सब जगह कि जीवों के हृदय में सबसे पहले कृष्ण प्रेम जगे। जब तक कृष्ण प्रेम नहीं जगेगा तब तक श्री कृष्ण से मिलन की इच्छा नहीं। तो ये संजोग और वियोग दो दल, संजोग और वियोग, तो ये महामंत्र वियोग अवस्था में भी लिया जाता है और संजोग अवस्था में, दोनों अवस्था में। तो आचार्यों ने इस महामंत्र का दो दो तरह का अर्थ किया है। विरह में यदि भगवान का नाम लेते हैं तो विरह दूर हो जाता है, संजोग होता है। संजोग में यदि ये नाम लेते हैं तो लीला चालू हो जाती है, लीला प्रारंभ। अब जो हरे कृष्णा ये महामंत्र में जो एक एक शब्द है तो एक एक लीला दर्शन प्रारंभ से लेकर के वहां तक पहुंच जाता है। जब राधा माधव निवृत्त निकुंज में प्रिया जी विपरीत रति के द्वारा प्यारे श्याम सुंदर को जो सुख देती है इसी महामंत्र पुरुषोचितां कृत्वा पुनः पुनः रमते इति राम, वहां तक ये पहुंच जाता है। तो यहाँ पर प्रिया जी के आभूषण सूर्य पूजन के लिए किशोरी जी गई है तो किशोरी जी को क्या क्या हार चाहिए, किशोरी जी के गले में हार है, ये सब हारों का वर्णन भी पुराणों में बहुत विधिवत ढंग से किया गया है। प्रिया जी जो तिलक करती हैं, तिलक उस तिलक का नाम है शास्त्र स्मर जन देव के तिलक का नाम। प्रिया जी के अंग में जितने जितने आभूषण हैं प्रत्येक आभूषणों का एक एक नाम, जो खास करके लीला चिंतन करते हैं किशोरी जी की नित्य लीला का जो स्मरण करते हैं उन महात्माओं को प्रत्येक आभूषणों को नाम याद करते हैं। जैसे सोलह श्रृंगार और श्रृंगार में फिर आभूषण, प्रिया जी के तिलक का नाम है स्मर यंत्र।
मत जानते हैं मर समरोपी विरचित स्मरकाम मिलन के लिए तिलक तिलक लगाती हैं कि तिलक देख करके श्याम सुंदर कहीं रहेंगे चाहे एक बार यदि श्याम सुंदर प्रिया जी का तिलक देख ले तो यदि बाल बालों के साथ होंगे तो बाल बालों को छोड़ देंगे माता पिता के साथ होंगे तो माता पिता को छोड़ देंगे तिलक की क्यों सकती तिलक में इतनी ताकत है कि एक बार प्रिया जी के तिलक का दर्शन कर ले तो श्री कृष्ण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते उसको यस्मर यंत्र करते और प्रिया जी को गले में माला पहनती है तो उस गला का नाम है हरि मनोहर सारे संसार के चित्त को कृष्ण कर्षण करते खींचते हैं अपनी तरफ लेकिन एक बार प्रिया जी के गले का हार देख ले तो उनका कृष्ण का मन भरी रहता है कृष्ण के मन को हरण करने वाले प्रिया जी का हार गीत गोविंद में एक एक आभूषणों का वर्णन क्या सुंदर क्या प्रिया जी नाक में जो गुलाब पहनती है देखिए किशोरी जी की सखियां राधा कुंड में स्नान करने के बाद प्रिया जी के प्रत्येक अंग में आभूषण क्या सुंदर तो उस गुलाब का नाम है प्रभाकर कर कहते हैं हाथ जिनके गुलाब से ऐसा प्रभा निकलता है ऐसा तेज प्रकाश निकलता है कि श्री कृष्ण का मन हरण प्रिया जी के प्रतीक अंग प्रतीक आभूषण वस्त्र चाल ढाल केवल उसका लक्ष्य है प्यारे से आप सुंदर हो गए और कुछ नहीं मन से चित से केवल हाथ में जो कड़ा पहनती है प्रिया जी कड़ा का नाम है चटकार और बाजूबंद गिलास पुष्पांजलि में एक एक आभूषणों का नाम रघुनाथ दास गोस्वामी लीला चिंतन करते समय सब वर्णन करते हैं मणि कुरबर नामक बाजूबंद है प्रिया जी के दाएं हाथ के अनामिका में अंगूठी पहनते हैं तो उस अंगूठी का नाम है विपक्ष मर्दनी अर्थात उनके अंगूठी को देख करके चंद्रावली इत्यादि का जो मान है क्या कर्षण करने की शक्ति है मर्दन इत्यादि के अंगूठी को देख कर रत्न तांतक नाम का उनका जोड़ी कान का प्रिया जी के कमर में करधनी है वो करधनी है कांचन चित्रावली नुपुर है रत्न गोपुर किसी किसी पुराणों में तो ये भी लिखा गया है जय जय श्री राधे प्रिया जी के अंग में जितने भी आभूषण है ये सब आभूषण प्यारे श्याम सुंदर के चित्त को अपनी ओर खींचने के लिए राधा रानी के श्री अंग में दो प्रकार का प्रिय वस्त्र है मेघांगर और कुर बिंदनी राधा रानी लाल रंग की वस्त्र पहनती हैं या नीला दर्पण है मणिबांधव कंघी है एक एक आभूषण का नाम यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का वर्णन करते हैं स्वर्ण शलाका से प्रिया जी अपने नेत्र में जो अंजन करती हैं अंजन करने का लक्ष्य है एक बार अंजन को देख ले प्यारे श्याम सुंदर तो अपने आप को रख न सके और प्रिया जी को कौन सा राग अधिक पसंद है तो मल्हार राग और
रहती कहाँ, उनका मन कहाँ अधिक रहता है, तो राधा रूप गोस्वामी काल कहते हैं पूरे ब्रजमंडल में सबसे श्रेष्ठ राधा कुंडित है। त्यारी जी त्यारी श्याम सुंदर के लिए स्वयं किशोरी जी ही जल रूप में वास करते हैं राधा कुंडित। रूप गोस्वामी काल को लिखते हैं कि संसार में कौन ऐसा विवेकी जन होगा जो गिरिराज जी की तलहटी में राधा कुंड है उसको छोड़कर अन्यत्र वास करना चाहे, जिसमें स्नान करने मात्र से ही प्रिया जी के समान प्रेम लाभ कर लेता है। तो उसी राधा कुंड में मध्याह्न के समय सूर्य पूजन के बहाने प्रिया जी का आगमन हुआ। विलास इत्यादि में बहुत देर होने के बाद मुखरा आई और मुखरा आकर के कहती है कहाँ गई। वही भानक राधे तव सूर्य भक्ते काल समुत्पन्न कुतोस कहाँ गई है। इतीव रोमान मुखरा लपंती सुदेव की माँ सुदई है। वह शब्द मेरे कान में पढ़कर मुझे कब आनंद देगा, कब सुख देगा। इसलिए रघुनाथदास गोस्वामी इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ करते हैं, विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। आचार चरण हम लोगों के समक्ष आ गए हैं, हम तो नित्य की भांति हम लोग एक अष्टपदी पढ़ लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। जो वर्णन किया गया राधा कुंड में आभूषणों का, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद एक एक आभूषणों का स्मरण किए हैं, तो कभी कभी ये मंजरियां आभूषण पहनाती हैं प्रिया जी। और स्वाधीन भक्ति का विलासो करान प्यारे श्याम सुंदर ही प्रिया जी के अंग में एक एक आभूषण पहनाते। गीत गोविंद में साक्षात प्रिया जी श्याम सुंदर को आदेश देती हैं कि तुम हमारे आभूषण को पहनना। अष्टपदी 24 खुरजत नंदन चंदन शिशिर करे नरे नपयोदरे जिगमत पत्रक मात्र मनोभव मंगल कल।